समस्या मेरे भाई हो के, -के सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं उन्होंने जो एफ किया है उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया ये है कि यह फुल्ली कंट्रोल कर रही थी सुशांत जी को उनके पैसे को रिया फुल्ली उनकी लाइफ कंट्रोल कर रही थी उनको धमकिया दे रही थी अगर तो अगर तू तो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे बारे में आ, मीडिया को बता देंगी कि तू तो कितना पागल है तेरे मेडिकल प्रूफ या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो रहता है टैबलेट्स के वो दिखा दूँगी कि तू तो कितने सच्चे में पागल है ये बोल के उसको डरा के उसको फुल्ली कंट्रोल कर रही थी और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि सुशांत बॉलीवुड क्विट करेंगे ऑब्वियसली क्विट करेंगे क्योंकि ऐसे बंदे को जब एकदम से अच्छा टैलेंट रहता है अच्छा मूवीज़ कर रहा होता है तो वहाँ पर जब उसको मूवी ऑफर नहीं होती है तो वो बंदा क्या समझेगा क्योंकि टैलेंट तो है टैलेंट तो है फिर भी मूवीज़ नहीं मिली भी अगर मूवीज़ नहीं मिलती तो क्या होता है कि मूवी माफिया जो ऊपर बैठे हैं वो उसको मूवी नहीं देने की या उसकी मूवी ना मिले पूरा एशोरिटी ले रहे हैं कि उसको मूवी नहीं मिलनी चाहिए तो सुशांत को जब एक, एक साल से प्लस से जब कोई मूवी नहीं मिली तो उसने डिसाइड किया कि मैं क्विट कर दूंगा और कर्क कूर्ग में जाके फार्मिंग करूंगा फिर धीरे धीरे जब सुशांत जी रेहा की जब बात नहीं मानने लगे तब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और जून आठ को रेहा उसकी घर उसका घर छोड़ के चले गई ऐसे नहीं गई उसका पैसा ज्वेलरी लैपटॉप और कुछ सामान और क्रेडिट कार्ड के साथ वो घर छोड़ के चले गई ये सब देखने के बाद मुझे ये लगता है कि रिया इस मटर के पीछे हाथ है और यहाँ पे उसका जो सो कॉल्ड बुड्ढा बॉयफ्रेंड मुकेश भट्ट वो यहाँ पे हेल्प किया है और वो अकेला ही ये काम नहीं कर सकता दो तीन लोग को कॉल करके पूछ के बात करके जो भी उनकी तरह है जो भी नेपोडिज़म में है उनको कॉल करके बात करके ये डिसाइड किया होगा कि कैसे करना है क्या करना है तो ये सब देखिए मुझे तो वही लग रहा है तो आइज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुशांत के फादर ने क्लेम किया है के एफ़ आई किया है रिया, रिया के ऊपर पर हमको ये चीज़ से भटकना भाट, नहीं है कि यहाँ पे करण जोहर भी है और महेश भट्ट भी है ठीक है हमको यहाँ पे भटकना ही नहीं है वो केस हुआ पैसे का जो भी हुआ पर रिया के लिए काम नहीं कर सकती रिया पक्का किसी ना किसी के हेल्प के थ्रू ही करेगी क्योंकि ये इतनी बड़ी लड़की नहीं है कि अभी तक डेढ़ महीने तक इतने स्ट्रांग इतने हाई प्रोफाइल केस को वो हैंडल कर सके इसके पीछे पक्का किसी बड़े का हाथ है और इसलिए हमको बस रिया पर उतना ही नज़र नहीं सब पे नज़र रखना है और सबकी लाइफ जो भी इसमें है तबाह कर देना है और तबाह एक ही चीज़ से होगा उनको इग्नोर करो उनकी मूवीज़ या फिर उनका जो भी काम है मत देखो बस और वो ऐसे ही मर जाएंगे अंदर अंदर तो शुक्रिया इस मैं ये बोलना चाहता हूँ ये जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट ए वॉइस फॉर सुशांत मैं सुशांत को सपोर्ट करने के लिए बना रहा हूँ और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है